जय चिप्तान ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। चर्चा ये है कि 27 फरवरी 2023 को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं उनकी मित्र राशि शनि की राशि। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर बेल बटन ऊपर आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि 27 फरवरी बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होने वाला है शाम 4:45 पर, जहां पर वो दूसरे दिन ही महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार अस्त हो जाएंगे और उसके बाद वो तकरीबन एक महीने के लिए अस्त रहेंगे और फिर मार्च के एंड में जाकर ये उदित होने वाले हैं। तो लगातार इनकी स्थिति जो है सूर्य के साथ बनी रहेगी। 16 मार्च को बुध जो है वो मीन में प्रवेश करने वाले हैं। अब नक्षत्र की भी जान ले हम, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है नक्षत्र के अनुसार ही फल देता है और कितना भी बली क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नक्षत्र अगर उसको सूट करता है उस गोचर में तभी जाकर वो ग्रह अपना अच्छा फल या बुरा फल दिखा पाता है। अब बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई कि बुध अपनी मित्र राशि शनि की राशि कुंभ राशि और राहु की राशि में प्रवेश कर गए, जहां पर उसके दो दोस्त मौजूद हैं सूर्य और शनि, जिनका ईंट खड़क का आपस में हो रहा है। लेकिन बुध यहाँ पर जो है सामंजस्य की स्थिति पैदा करेंगे और दो दुश्मनों में हुए हुए झगड़े को बीच में बैलेंस बनाएंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए आए हैं बुध। याद रखिए कि बुध सूर्य के भी मित्र हैं, बुध शनि के भी मित्र हैं और यहाँ पर हो रहे जो बुरी प्रभाव लोगों को मिल रहे थे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज में पब्लिकली या कोई अन्य नुकसान हो रहे थे, तबीयतें खराब हो रही थी, तो यहाँ पर आकर बुध जो है अपना पलड़ा सबका ठीक करेंगे और बैलेंस बनाएंगे दोनों के बीच। और कुंभ राशि में बुध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये विचार किया जाएगा कि बुध आपके कौन से भाव में बैठे हैं, किसकी दशा चल रही है, आपको सुहाते हैं कि नहीं, आपके लिए कारक हैं या मारक हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, मृत हैं, आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है। तो 27 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल पोजीशन में बुध आगे जाएंगे, लेकिन सामने उनका मित्र है, दो दो मित्र हैं और साथ में मित्र का घर भी है और दूसरे दिन वो अस्त हो जाएंगे सूर्य की रोशनी के कारण और इस कारण वो अपना कमाल जो है सूर्य पर छोड़ेंगे क्योंकि बुधादित्य योग बन जाएगा। 3 मार्च को शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 10 मार्च को पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो मजेदार बात यह है कि 10 मार्च के बाद जब वो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उसके बाद अपना असर कम देंगे। अब जैसे भी हैं अस्त हैं या सूर्य से ढक गए हैं, बुधादित्य योग तो बनाया है इन्होंने, लेकिन ये अपना पूर्ण असर जो एक जलाल वाला असर है वो 10 मार्च के बाद से लेकर 16 मार्च तक नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं हम के बुध के उपाय किसको करने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी दूंगी जिससे आपकी ये जो सूर्य शनि की युति की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है जिन लोगों को, वो बुध के उपाय करके यहाँ पर बुध का फेवर पा सकते हैं और बुध से रिलेटेड समस्याएं आपकी सॉर्टेड हो सकती हैं, प्रोवाइडेडली बुध आपको सूट करता है, आपके लिए कारक है या मारक है या बुध आपकी राशि का मित्र है या अमित्र है, ये भी देखना पड़ेगा। अब बुध के उपाय जो है अंत में इस वीडियो के बताऊंगी मैं आपको, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कॉमन उपाय बताऊंगी और कॉमन उपाय जो सब कर सकते हैं बुध के उपाय वो बताऊंगी, लेकिन जो कोई विशेष उपाय होंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी वो सिर्फ बुध जिनके लिए कारक हैं वो ही करें। मेष लग्न वालों के लिए आपके पराक्रम के स्वामी हैं, आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठेंगे ये कुंभ राशि में। कुंभ राशि में इनके पराक्रम और उत्साह के कारण मेष राशि वालों के धन की व्यवस्था हो जाएगी। केसेस विवाद में तो बहुत ज्यादा भड़क गई है आग, उसको निपटाने में अब बुध जो है बुद्धिमानी का सहारा लेंगे और आपके विवाद केसेस में जो दिमागी चतुराई और व्यवहारिक ज्ञान से काफी कुछ कंट्रोल में आएगा।
छोटे भाई बहनों के साथ बहुत वृद्धि हो सकती है कामकाज की, और साथ साथ आपकी यात्राओं में आपको खूब फायदा हो सकता है। ये भी याद रखें, लोन्स वगैरह जो अटक गए थे वो भी मिल सकते हैं, कर्ज आपको चुकाने हैं वो भी चुका सकते हैं, और तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन बुध आपका कारक नहीं है, इसलिए आप मंगलवार के दिन गणेश जी की पूजा जारी रखें। वृषभ लग्न, बुध आपके द्वितीय स्थान के स्वामी, आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, और जाकर बैठेंगे दशम भाव में, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। पूर्ण धन आने की संभावना है, और आपकी मित्रताएं ऐसी कि उसमें आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ ऐसा फायदा जिसमें आप अगर ये भी चाह रहे हैं कि आपके कुछ अनुबंध हो जाएं व्यवसाय के, तो वो भी हो जाएंगे। आप नौकरी पेशा हैं, तो आपकी नौकरी भी लगने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप खेती, टेक्नोलॉजी और भाषा वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं या आप लेक्चरर हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, तो उसमें भी आपके कार्यों में आपकी वृद्धि हो जाएगी। आपके बच्चों से आपको बहुत फायदा होगा। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि उनकी ज्ञान पढ़ाई आपके काम आए, या आपकी ज्ञान पढ़ाई विद्या सब आपकी बढ़ जाए, तो वो भी काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर बुध की दृष्टि जो है वो पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो घर में रेनोवेशंस वगैरह भी हो सकती हैं, माता पक्ष से फायदा, सुख सुविधा में वृद्धि हो सकती है। मिथुन लग्न, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब आपके लग्नेश हैं बुध, और इतने दिनों से अष्टम में थे, तबीयत बार बार बिगड़ रही थी, हालांकि आपके व्यवसायों में कोई गति कम नहीं थी, फिर भी अब आपके व्यवसाय भी बढ़ेंगे, तबीयत भी ठीक होगी। अस्त हैं बुध, तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा, और बुधादित्य योग का भी फायदा उठाइएगा। नए नए आपके जो काम हैं, जो यात्रा में जाकर होने वाले, तो वो भी बढ़ेंगे, यात्राएं शुभ हो जाएंगी। आपके छोटे भाई बहनों से खूब फायदा, और साथ साथ में आपके घर परिवार में माता पक्ष से आपको लाभ, आपके सुख सुविधा में वृद्धि, हेल्पर्स वगैरह भी आप जो हैं आपके सपोर्ट में रहेंगे। वाहन वगैरह ला सकते हैं आप अपनी नौकरी से रिलेटेड काम बना सकते हैं, ताया चाचा पिता समान लोग आपका सपोर्ट करेंगे। कर्क लग्न आपके लिए अष्टम में आ जाएंगे बुध, तो अष्टम में बुध इतने अच्छे नहीं, लेकिन स्वग्रह ही है यहाँ पर, तो आपके खर्चे वर्चे जो हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में कीजिए। आपके जो ऐसे कुछ काम हैं जिसमें आपको विवाहित जीवन से सपोर्ट चाहिए, व्यवसायिक पार्टनर से मिल जाएगा। यात्राओं में आपके कार्यों में वृद्धि, कोई ऐसा काम करना है जो सास ससुर के साथ मिलकर करना है वो भी हो सकता है, विवाहित जीवन के साथी के साथ करना है वो भी हो सकता है। विदेश रिलेटेड कामों में इन्वेस्टमेंट संभल के कीजिएगा, या यात्राओं में पैसा कम खर्च कीजिएगा। सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए अब देखिए धन की व्यवस्था जाएगी हाथ में किसके, विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के हाथ। अब वो आपका धन हैंडल करेंगे, और धन अच्छे से हैंडल करेंगे, आपके केसेस विवाद में मुक्ति भी मिलेगी आपको, चतुराइयां आपके साथी की काम आएंगी, व्यावसायिक पार्टनर बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, उससे भी आप ज्यादा आश्वस्त हो जाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा आपका, और बुद्धिमानी से काम लेंगे। शनि से जो सूर्य लग्न वाले परेशान थे, तो उनको अब एक मित्र का सहारा मिलेगा। कन्या लग्न, वालों के लिए देखिए आपके लग्नेश हैं बुध, और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जाकर बैठेंगे आपके षष्ठ भाव में, तो षष्ठ में बुध बुरे नहीं माने जाते, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध अच्छा होता है, कई सारे काम बनाने के लिए आया आपके। और आपको क्या करना है, बुध के उपाय करने हैं जो मैं अंत में बताऊंगी, और कुछ ऐसे काम हैं जिसमें नौकरी से रिलेटेड आवेदन भरे हैं तो आपके हो जाएंगे, आप आगे बढ़िए। लोन्स वगैरह रिलेटेड काम हैं वो भी हो जाएंगे, लोन्स चाहिए तब भी हो जाएंगे, लोन चुकाने हैं तब भी हो जाएंगे, लोन देने हैं तब भी काम हो जाएगा। बुध एक अच्छी स्थिति में आ गए हैं, और आपके पिता से आपको पूर्ण सहयोग, अपने जो कार्य पर्सनैलिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड काम भी बनते नजर आते हैं मुझे। तुला लग्न, आपके भाग्य भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं बुध, जाकर बैठेंगे आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में अब बुद्धि, व्यवहार ज्ञान और दूर दृष्टि लाता है बुध, आपके धन आने की पूर्ण संभावनाएं हो जाती हैं, जो रुक गई थी
आपके सरकारी दरबारी काम रुक गए थे वो भी होते नजर आते हैं, आपके कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप चाहते थे कि आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड कोई आपके आवेदन भरे हैं, कोई टेंडर है, तो वो भी पास हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुक जाइए, उसके लिए पूर्णतया काम होने में थोड़ा समय लगेगा। बच्चों से सहयोग, आपके ज्ञान पढ़ाई विद्या और उनकी ज्ञान पढ़ाई विद्या में आगे आपको फायदा होगा, और आपके भाग्यवर्तक संदेश से भी खड़े हैं आप, बस काम कीजिए, आगे बढ़िए। वृश्चिक लग्न, आपके अष्टम भाव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन इनका चतुर्थ में आना भी बहुत ज़्यादा कारक नहीं है। फिर भी घर में आकर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, माता पक्ष से सपोर्ट दिलाते हैं, पैसे की थोड़ी खोल कर देते हैं, जो आप बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थे, या आप गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन तो आपकी तबीयत भी ठीक करते हैं, थोड़ा सा आपके घर में से आप वर्क फ्रॉम होम कर देना शुरू कर देते हैं, आपके कुछ सास ससुर से रिलेटेड या आपके कुछ ऐसे काम हैं जिनसे उनकी सहायता चाहिए थी, माँ की सहायता, विवाहित जीवन के साथी से सहायता, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। धनु लग्न सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और जाकर पराक्रम में बैठे हैं, तो अच्छा है। ये जो हिम्मत हौसला बढ़ने की बात है वो कामों के लिए बढ़ेगा, और आपके साथ साथ आपके काम लोग प्रशंसा करेंगे, आप यात्राओं पर जाएंगे तो आपको खूब सारा लाभ होने की संभावनाएं, कार्यों के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, आपके खेती टेक्नोलॉजी या नौकरी वगैरह से रिलेटेड काम बन सकते हैं, और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके यात्राओं में आपको जो है खूब व्यवसायिक लोग मिलेंगे जो आपको और अलग अलग काम बताएंगे, छोटे भाई बहनों से फायदा है आपके, और अच्छा स्थानांतरण हुआ है बुध का आपके लिए। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए बुध आकर बैठ गए द्वितीय स्थान पे, ये आपके श्रेष्ठ भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो ये आपको कई प्रकार से फायदा देते हैं, ये आपके धन में वृद्धि, आपके नए नए कार्य, संचित धन का होना, अब जो शनि और सूर्य का ईट खड़क का हो गया था उसको सामंजस्य बिठाएंगे, और आपकी तबीयत भी जो खराब हो गई थी तो वो भी बुद्धिमानी से अब डायग्नोज वगैरह करवाएंगे, अच्छे अच्छे पार्टनरशिप के लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये बुध के नक्षत्रों पर भी डिपेंड करता है, जो मैंने पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में, वो सुनिएगा। लोन्स वगैरह आपको चाहिए तो वो भी मिलेगा, आपके संचित धन की व्यवस्था होगी, और नए नए काम मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। कुंभ लग्न, लग्न में शनि सूर्य बुध बुधादित्य योग, सूर्य आपको यहाँ नहीं सुहा रहा है, लेकिन बुध का आगमन आपको सुहाता है, और उसके कारण माइंड शार्प हो जाता है, और साथ में आपको सूझता है कि कैसे व्यवसाय बढ़ाया जाए, कैसे सास ससुर के साथ डील किया जाए, कैसे आप चाह रहे थे कि आपकी अध्ययन पढ़ाई विद्या में वृद्धि हो, ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपके क्या कहते हैं उत्साह, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तबीयत अच्छी होगी, और अब आपको बुध के उपाय भी बहुत सुहाएंगे, तो आप बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ बच्चों से भी खूब सपोर्ट मिलेगा, सास ससुर विवाहित जीवन के साथी से भी खूब सपोर्ट मिलेगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए बुध का स्थानांतरण अत्यंत विदेश रिलेटेड कामों के लिए शुभ है, जिसमें हाथ रहेगा विवाहित जीवन और माता का। अब याद रखिए कि द्वादश में बुध इतने अच्छे नहीं होते, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये नीच के हो गए, इसलिए बहुत बड़ी कोई मजल मत मारिएगा, बुध अस्त भी रहेंगे और वहां सूर्य भी मौजूद हैं, तो अननेसेसरीली कर्जे लेना या किसी को कर्जे देना या पुराने कर्जे न चुका पाना, ये सब स्थितियों से आपको बचना ही है, और फिर भी आपके माता पक्ष और आपके विवाहित जीवन से जो आपको सपोर्ट है ना, उससे आपके कई सारे काम आप फिर भी मैनेज करोगे बनाने में। आपके प्रेम संबंध बिगड़ गए थे तो वो आपके साथ आके मिलके थोड़ा सा सामंजस्य अब बिठाएंगे, और खर्चों पर भी आपके अंकुश आएगा, नींद न आने की बीमारी, अन्य बीमारियां जो आपको महसूस हो रही थी उनसे थोड़ी बहुत आंशिक रूप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको बुध का कुंभ राशि में प्रवेश क्या असर देने वाला है, और कितना अच्छा है, क्योंकि अच्छा ही है, ये बुध जब धनु राशि से निकले तभी से अच्छा पीरियड शुरू हो गया, और मकर और कुंभ में बुध का प्रवेश बहुत अच्छा है। लेकिन चलिए अब हम जानते हैं
कि बुध के उपाय कॉमन वाले कौन से हैं जो सब कर सकते हैं। अब हरी सब्जियां सब खा सकते हैं, हरी घास पर सब चल सकते हैं, तुलसी के पत्ते सब खा सकते हैं, बुधवार के दिन आप मूंग खा सकते हैं, या बुधवार के दिन आप क्या कहते हैं पालक वगैरह हरी सब्जियां खा सकते हैं, कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, ये सब कॉमन उपाय जो आप कर सकते हैं। हाँ, अपर बॉडी में जिनको बुध सुहारा है वो बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने, और साथ साथ में आपके जो छोटी बहनें हैं ना बहनें, उनका ध्यान रखें, प्राणायाम करें। ऐसे कई लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जो खेतीहर लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं टेक्नोलॉजी में हैं, उनको सपोर्ट करें। आप ये भी ध्यान रखिए कि खेती के बिजनेस से जो लोग काम करते हैं उनको हरियाली पर ध्यान देना चाहिए, जितनी ज़्यादा हरियाली पैदा करने की वो कोशिश करेंगे। ये हरियाली पौधे लगा के घर में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये हरियाली से रिलेटेड आप ऐसे कई उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप वृक्षारोपण करते हैं तो कहीं वृक्षारोपण करो तो ये भी बुध का उपाय है। तो ऐसे बुध के उपाय जो हैं ग्रीनरी से रिलेटेड हैं, बुध के उपाय जो व्यवसाय से रिलेटेड, बोलने चालने की भाषा तमीज से बोलें वो भी एक बुध का उपाय है। आप बुध आपके श्वसन तंत्र का स्वामी है तो पूरा वायु भर के प्राणायाम रोज करते रहें, ये भी बुध का उपाय है। बेकार की बातें न करें, अनर्गल वार्तालाप न करें, बेकार में आप बोलते जाना चाहें आपकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और बुध खर्च हो जाएगा। फिर बुध बुद्धिमानी का दाता है तो जितनी एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह आप बुद्धि के लिए करेंगे तो वो भी बुध का उपाय ही हो जाएगा। अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखेंगे तो वो भी बुध का उपाय हो जाएगा। तो बहुत ही वाइड एंड वेग एस्पेक्ट है ये बुध का या किसी भी ग्रह के उपाय होने के लिए, और जो जो मैंने आपको बताया उतना ही कर लें तो काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जिनके लिए बुध कारक नहीं है वो लोग मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, और जिनके लिए बुध कारक है वो बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। फिर मिलूंगी इसी तरह कई और किसी दिन कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।